नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आखिर क्यों लगती है आपकी खुशियों को नज़र, आज की वीडियो में 6 कड़वे सच हम आपको बताने वाले हैं। हम कारण भी बताएंगे और निवारण भी बताएंगे। यूँ समझ लीजिए कि अगर आज की वीडियो को आपने पूरा देख लिया तो ज़िंदगी में कभी भी नज़र दोष का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। परंतु थोड़ा सा कीमती समय निकालकर इस वीडियो को अंत तक देखना होगा, फिर आपका फायदा ही फायदा छिपा हुआ है। परंतु शुरुआत करने से पहले माता रानी के जो भी सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी के अभी लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जो भी जय माता जी लिखेगा उसके 24 घंटों में समस्त बिगड़े काम बन जाएंगे। तो दोस्तों, नज़र लगने के पीछे कारण क्या होता है, आखिर हमारी खुशियों को नज़र क्यों लगती है, इसके ऊपर अगर चर्चा की जाए तो दुनिया में 3 तरह की ऊर्जाएं काम करती हैं। एक होती है सकारात्मक, एक होती है नकारात्मक और तीसरी होती है विरोधात्मक। इन तीनों के बारे में आपको पता ही होगा। यह ऊर्जा हमारी सोच, व्यवहार, आदत और शब्दों से बनती है। यानी कि आपकी सोच कैसी है, आपका व्यवहार कैसा है, आपकी आदत कैसी है, आपके शब्द बोलने के तरीके कैसे हैं, अगर ये सब अच्छा है तो आप सकारात्मक ऊर्जा की गिनती में आते हैं। लेकिन अगर किसी के सोच, किसी के व्यवहार, किसी की आदत या फिर किसी का बोलने का तरीका खराब है तो वो नकारात्मक और विरोधात्मक ऊर्जा का शिकार होता है। परंतु दिक्कत कहाँ आ जाती है, ज़रा वो ध्यान से सुनिएगा। जब किसी ऐसे इंसान का जिसकी सोच, स्वभाव, संपर्क गलत है तो उसके नकारात्मक प्रभाव हमारे ऊपर आ जाते हैं, यानी कि हमारे ऊपर उसका नकारात्मक असर पड़ जाता है। और इससे ही हमें वैज्ञानिक तौर पर समझा रहे हैं नज़र लगना कहते हैं। अब इसके क्या क्या लक्षण देख सकते हैं, ज़रा वो भी ध्यान देखिएगा। कई बार हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम इलाज करवाते हैं, परंतु रिजल्ट वह नहीं आता क्योंकि हमारे ऊपर नज़र दोष लगा हुआ होता है। हमारी सोच खराब हो जाती है, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, सुस्ती वाड़ी आ जाती है और बात बात पर हमें नींद आने लगती है। और जीवन में जो लक्ष्य तक पहुँचने की इच्छाएँ थीं वो ख़त्म सी हो जाती हैं। तो ये कारण क्या है इसके पीछे का, और इसके पीछे कौन लोग छिपे हुए हैं, आखिर वो कौन लोग हैं जो हमारी खुशियों को नज़र लगा रहे हैं, विस्तार से अब हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, क्या आपने भी कभी ऐसा किया है कि जीवन में आप कुछ बड़ा करने वाले हो, आपके दिमाग में कुछ प्लान आया, आपने उस पर अमल करने से पहले उसे किसी अपने को बता दिया कि मैं ऐसा करने वाला हूँ, या अपने पड़ोसी को बता दिया या अपने किसी रिश्तेदार को बता दिया। अब उस काम को लेकर बहुत खुश हैं कि अगर ये सफल हो गया तो मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। परंतु आप खुश हैं, लेकिन आपका वो शत्रु जिसे आपने अपना समझकर ये बात बताई थी वो खुश नहीं है, और उसकी नज़र का सामना उस समय आपको करना पड़ गया, जिसके बाद आपने देखा कि धीरे धीरे आपका काम अच्छे रिजल्ट दे रहा था परंतु अंत समय में आकर अचानक वो बिगड़ गया। तो कहीं ना कहीं हमारे काम बिगड़ने का कारण हम स्वयं ही होते हैं। किसी महापुरुष ने कहा है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी सफलता शोर मचा दे। परंतु जो भारतीय लोग हैं उन्हें तो किसी भी काम को करने से पहले अपने पड़ोसी को पहले बताना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसे जलाना चाहते हैं, वो उसे एहसास कराना चाहते हैं कि हमने जीवन में इतना कुछ किया है, हम आगे ऐसा ऐसा करने वाले हैं, उन्हें ऐसा करके संतुष्टि मिलती है। परंतु उनकी यही आदत उनके काम बिगाड़ कर रख देती है। आपको भी इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि आखिर क्यों लगती है आपकी खुशियों को नज़र, इसका कारण आप खुद स्वयं हैं। परंतु मान लीजिए कि अभी तक जो हुआ हमारी गलती थी, आगे हम ये गलती नहीं करेंगे, परंतु जो गलती हो गई है उसका निवारण कैसे किया जाए, उसे किस तरह से हम समेटें, तो अब आगे वीडियो में हम उपाय बता रहे हैं जो जीवन में कभी आपको नज़र दोष नहीं लगने देंगे। अगर किसी प्रकार की नज़र भी होगी तो वो भी समाप्त हो जाएगी, परंतु उसके लिए आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना होगा और हमारे दिए गए उपायों की लाज रखनी होगी।
सबसे पहला उपाय बताने जा रहे हैं। जरा कान लगाकर सुनिएगा, आपका बेड़ा पार भी हो जाएगा, इस बात की हम गारंटी देते हैं। मान लीजिए आपके घर का कोई व्यक्ति बार बार बीमार पड़ रहा है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, उसे निरंतर असफलता मिल रही है, तो हम समझ सकते हैं कि हो सकता है किसी की बुरी नज़र ने उसे घेर लिया हो। तो आपको क्या करना है, घर के उस व्यक्ति पर से एक नींबू लेकर के उसे 7 बार नज़र लगे व्यक्ति के ऊपर से वार लेना है, यानी कि जो व्यक्ति वहाँ मौजूद है, जिसे लग रहा है नज़र लगी है, उसके ऊपर 7 बार नींबू सार लें। अब उसके बाद उस नींबू के 4 टुकड़े कर किसी सुनसान स्थान पर आपको फेंक देना है। बस इतना सा आपको करना है और इस व्यक्ति की नज़र हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। जो आप डॉक्टरों पे पैसे बिगाड़ रहे थे वो आपको नहीं बिगाड़ने हैं, लेकिन आपको डॉक्टर के पास जाना है यदि आपकी हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन अगर उसके बाद में भी आपको सही परिणाम नहीं मिल रहा है तो आप इस उपाय को भी कर सकते हैं, परंतु आइंदा बहुत सारे सावधानी आपको बरतनी है और मेहनत करिएगा, ढिंढोरा मत पीतीएगा। अगर मान लीजिए आपके व्यापार को नज़र लग गई, कई बार ऐसा होता है कि हम अच्छी गति से व्यापार कर रहे होते हैं तो हमारे जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं, जो हमारे जलनखोर रिश्तेदार होते हैं, उनकी नज़र भी हमारे पैसों को देखकर हमारे व्यापार पर लग जाती है। यदि आपको लगता है कि आपके कारोबार पर किसी की बुरी नज़र लग गई है तो आप इससे बचने के लिए अपने कार्यस्थल के मुख्य द्वार पर काले कपड़े में फिटकरी बांध करके लटका दीजिए। क्या करना है, आपको काले रंग का कपड़ा लेना है, उसके अंदर आपको फिटकरी लेनी है और उस कपड़े के अंदर बांध करके आपके कार्यस्थल या फिर कारोबार के मुख्य द्वार पर आपको लटका देना है। बहुत चमत्कारिक उपाय है, नज़र दोष दूर करने का यह बहुत खास उपाय है। अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपके कारोबार पर कोई आग उठाकर नहीं देखेगा, आपके जीवन में कभी दिक्कत नहीं आएगी। और इतना कोई खास बड़ा उपाय नहीं है, छोटे छोटे से उपाय बता रहे हैं जो एक आम आदमी भी कर सके। तीसरा, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आपके घर में बहुत ज़्यादा कलेश बना रहता है, आपसे विचारे नहीं मिलते, घर वालों से सामंजस्य नहीं बनता, तो घर में अगर किसी भी तरह की एकता को नज़र लग गई है, लोग आपस में जलने लगे हैं, चिढ़ने लगे हैं, लड़ाई करने लगे हैं, तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। यदि आपको ऐसा लगता है कि घर की एकता और प्रेम भाव को किसी की काली नज़र लग गई है, तो अब आपसी प्रेम की जगह कलह होने लगी है, तो इसे दूर करने के लिए घर के मुखिया को रात के समय अपने बिस्तर के नीचे 1 लोटा पानी रखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद सुबह स्नान ध्यान के बाद उस लोटे के जल को अपने गुरु या फिर अपने इष्ट देवता का मंत्र जपते हुए किसी पेपल के नीचे जड़ में डाल देना है। इस उपाय को करने से घर में जो एकता टूट गई थी वो पुनः बन जाएगी, सामंजस्य जो बिखर गया था वो पुनः सुधर जाएगा और आपको भी जीवन में महसूस होगा कि वास्तव में नज़र का ही कारण था और सब कुछ सही हो गया है। अब दोस्तों, एक और शानदार उपाय हम काली मिर्च का बताने वाले हैं जो आपके होश उड़ा देगा। ज़रा ध्यान से सुनिएगा, बड़ा सिंपल है परंतु कारगर है। यदि आपको लगता है कि आपके घर की खुशियों को किसी की नज़र लग गई है और आए दिन यहाँ कोई ना कोई अड़चने लगी रहती हैं, तो आप इसे दूर करने के लिए किसी भी दिन 5 काली मिर्च के दाने लेकर के उसे अपने सिर से 7 बार वार करके किसी एकांत स्थान पर जा करके चारों दिशाओं में अलग अलग 4 दाने फेंक दीजिए। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद जो 5वीं काली मिर्च का दाना था वो आपको ऊपर की दिशा में फेंक देना है और बगैर पीछे मुड़े चुपचाप घर वापस चले आना है। देखा दोस्तों, केवल 5 काली मिर्च के दाने कितना सरल उपाय है और आपके जीवन के समस्याओं का अंत। प्रयास करें, लेकिन इस उपाय को करते समय कोई आपको रोके नहीं, कोई आपको टोके नहीं। ये एक अचूक उपाय है, इससे आपके जीवन में आने वाले समस्त रुकावटें दूर हो जाएंगी और खुशियों का वास हमेशा हमेशा बना रहेगा। आज की वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि बहुत सारे लोग जो हकदार हैं, जो काबिल हैं, जो बहुत कुछ करने की क्षमता रखते हैं, परंतु दिखावटी हैं, भोले हैं और ढिंढोरा पीटने वाले हैं, उनकी ये आदत उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही। तो आज की ये वीडियो में उनको ये भी बता दिया है कि आपको क्या नहीं करना है,
ये भी समझा दिया है कि इसके क्या लक्षण हो सकते हैं और अंत में उपाय भी बता दिया है ताकि आगे और दिक्कतें पैदा ना हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अभी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।